नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत एक मौज में। आइए आपको लेके चलता हूँ इस बार की नई नई मौजों में। मौजें ऐसी ऐसी हैं कि जिसमें आपको ये समझ में नहीं आएगा, एटलीस्ट मुझे तो समझ में नहीं आया कि इस पर रोया जाए या हंसा जाए, तो मैं असमंजस में हूँ। मैंने सोचा बेस्ट तरीका यही है कि वो सारी मौजें लेके आपके पास आ जाऊँ, आप खुद अपने आप डिसाइड कर लें और नीचे कमेंट्स में भी लिख दें कि इस पर हंसें या रोएं, ताकि वो पढ़ के मैं भी उस हिसाब से या तो मातम बना सकूँ या पेट पकड़ के हंस सकूँ। तो आइए देखते हैं इस बार का भारत एक मौज। दोस्तों, मैं अक्सर बोलता हुआ आया हूँ कि साइंस के बारे में हमारा एटीट्यूड क्या है, इंडियंस का एटीट्यूड क्या है, उसको हम ट्रीट कैसे करते हैं, उसको हम किस तरीके से दरकिनार करते हैं, फायदा सारा साइंस से उठाते हैं, लेकिन मौका मिलने पे उसको गाली भी बकने लगते हैं और ये भी बोल देते हैं कि भाई ये तो हमारे पास पहले से ही पड़ा हुआ था, वो कहाँ गया, बीच में कहाँ गायब हो गया, इसका जवाब कोई नहीं देता है। और पिछले कुछ सालों में साइंस के साथ जो बदसलूकी हो रही है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। विज्ञान तो ज्योतिष के सामने बौना है। अब मैं कल मरकच्चो में गया, वहां भी कुछ लोग मास्क लगाए हुए। मैंने कहा भैया मरकच्चो वालों, तुमको क्यों मास्क लगाने की जरूरत पड़ रही है? तुम्हारे यहां ना कोई फॉरेनर आ रहा है, ना कोई एनआरआई आ रहा है, तुमको कोरोना होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी हम चौड़ में उसको सेलिब्रेट करते रहते हैं। अब उसके कुछ एग्जांपल मैं आपको देता हूं। आजकल देखो, आपको पता है गाय को लेकर बड़ा महाभारत मचा हुआ है, गाय के मुद्दे पे बाद में आता हूं, लेकिन पहले साइंस की बात करते करते मैं आपको बताता हूं। मध्य प्रदेश के एक गांव में बारिश करवाने के लिए कुछ लड़कियों को बिना कपड़ों के घुमाया गया। जी हाँ, ये बात सच है और ये इंडिया में हुई है, अफगानिस्तान में नहीं हुई है, ये इंडिया में हुई है। मध्य प्रदेश के गांव में बारिश करवाने के लिए कुछ लड़कियों को बिना कपड़ों के घुमाया गया। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है ये तो पता नहीं मुझे, आज की साइंस को तो पता नहीं है, मुझे भी पता नहीं, हो सकता है हमारी पुरानी साइंस में कोई लॉजिक इसका रहा हो। लड़कियां तो कब से कीमत चुकाती आई हैं, एक बार फिर से उन्होंने चुका दी तो क्या क्या ही फर्क पड़ गया हमारी जो इतनी पुरानी साइंस थी जिसने हमें सबको सिखा रखा था। पूरी दुनिया में बारिश होने की वजह कुछ और है, लेकिन इंडिया में नाना प्रकार की वजह है। एक तो वजह ये मैंने आपको सुना दी, दूसरा ये कि गाय के घी से यज्ञ करने से जो है बारिश होती है। यह दुनिया में और कहीं नहीं होता, यह हिंदुस्तान में ही होता है कि गाय के घी से यज्ञ करो तो बारिश हो जाती है। तो आप दुनिया के किसी भी मुल्क में रिसर्च करके देख लीजिए, ढूंढ के देख लीजिए, वहां इस तरह के अजीबोगरीब फिनोमेना नहीं है, लेकिन यह हिंदुस्तान में होता है। अगेन, नोबडी कैन आस्क व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट। बस ज्यादा से ज्यादा आपको यह सुनने को मिलेगा कि ये हमारी आस्था है, ये हमारा विश्वास है, और हमारे विश्वास में जो है हम कोई तर्क या लॉजिक नहीं घुसाएंगे, तो आपको भी मान लेनी चाहिए। फिर ये सवाल ये भी सुनने को मिला कि एक महाशय ने ये बोल दिया, गाय इकलौता जानवर है जो ऑक्सीजन इनहेल करती है, ऑक्सीजन एक्सहेल भी करती है, जो ऑक्सीजन ग्रहण करता है साथ ही ऑक्सीजन ही छोड़ती है, मतलब अंदर कोई केमिकल रिएक्शन ही नहीं हो रहा। दुनिया भर में गाय छोड़ो और बहुत सारे जानवर और ह्यूमन बींग सब ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, दुनिया भर की गाय भी ये करती हैं, अगर गाय के बारे में एक्सेप्शन हो, ये इंडिया की गाय हैं जो इस तरह के काम करती हैं। इसके पीछे की साइंस क्या है, इसके पीछे का लॉजिक है, अगेन हमें पीछे जाना पड़ेगा जब हमारी साइंस बहुत महान थी, जो जिसमें इस बात का कोई एक्सप्लेनेशन दे रखा होगा कि गाय ही इकलौता जानवर है। फिर गाय को ये बात शुरू हुई कि ये भी अभी चर्चा चली, ये भी सुनने में आया कि गाय को नेशनल एनिमल बना देना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ बनाई दो, वैसी गाय को लेकर इतनी महाभारत खड़ी करके हो रखी है, लोग गाय के बारे में डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि भाई हम इसको सूखी रोटी दें, सड़क पे खुला छोड़ें और ताकि ये पॉलिथीन वोलिथीन खाती रहे, या फिर हम इसकी पूजा करें, क्योंकि दोनों काम गाय को करने पड़ रहे हैं, उसको सूखी रोटी भी खानी पड़ रही है, उसको कूड़ा भी खाना पड़ रहा है सड़क पे, और उसकी पूजा भी हो रही है। गाय भी शायद कन्फ्यूज होगी कि ये मेरे से चाहते क्या है, लेकिन सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन गाय को नेशनल एनिमल क्रिएट करने में सबसे ज़्यादा इनसिक्योरिटी टाइगर को होगी, क्योंकि टाइगर इतने सालों से नेशनल एनिमल रहा है, उसके बाद भी उसके नंबर घटते गए। लेकिन अब टाइगर दूसरी मुसीबत में फंस गया, एक तो उसकी ईगो हर्ट होगी कि उसको जिस ओहदे पे इतने सालों से रखा हुआ था उससे हटा दिया गया है, दूसरा ये अब क्योंकि टाइगर जो है वो गाय को बड़े चाव से खाता है, वो उसकी नेचुरल डाइट है, जंगलों में तो अक्सर देखा कैरकस मिलते हैं जो टाइगर ने गाय को खाया है। अब टाइगर हिंदुस्तान में माहौल अब इतना पवित्र और पावन हो चुका है, लोग गाय को लेकर इतने सेंसिटिव और जो है संवेदनशील हो गए हैं कि गाय को कोई भी नुकसान पहुंचाता हुआ कोई मिलता है तो उसकी लिंचिंग होना एक तरीके से नेशनल कैरेक्टर हो गया है। अब टाइगर बेचारा फंस गया कि उसके खाने को भी, मतलब जो नेचुरल खाना है, कहीं वो पकड़ा गया गाय के कैरकस के साथ, तो यहाँ का मॉब जो है वो उसको भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वैसे भी नेशनल एनिमल तो वो रहा नहीं है, तो उसकी क्या औकात रही है। अब गाय को कुछ खाएगा तो कुटेगा, मार भी दिया सकता है। दोस्तों, आग फैल रही है और आग में अब जैसे राहत इंदौरी साहब ने कहा है ना, लगेगी आग तो आएंगे घर के ही जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है।
तो ये आग फैलते फैलते पहुंच गई इंफोसिस तक। आरएसएस ने इंफोसिस को कहा है कि टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ है और ये एंटी नेशनल है। ये तो होना ही था। इंफोसिस जिसके ऑफिस के अंदर बैठ के आधार कार्ड का जो है जन्म हुआ और जो जिसने जिसमें मोहनदास पाई है, जो शुरू से इस गवर्नमेंट को डिफेंड करते हुए आ रहे हैं, इसके खिलाफ बहुत अच्छी बातें कह रहे हैं, चाहे हो कुछ भी रहा हो, आज वो इंफोसिस भी जो है एंटी नेशनल और टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ हो गई है। तो इंफोसिस में काम करने वाले जितने भी लोग हैं जो कॉर्पोरेट इंडिया का हिस्सा हैं, वो भी अब टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा हो गए। याद रहे कॉर्पोरेट इंडिया सबसे बड़ा एलाई था इस गवर्नमेंट का, लेकिन अब उनको भी कहा जा रहा है। बस वही है कि अब जब आपने जो छोड़ दिया है कोई जानवर, तो वो उसके सींग कहीं पर भी जाके लग सकते हैं। तो इंफोसिस को भी अब ये उपाधि दे दी गई है कि वो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ में एंटी नेशनल है, क्योंकि उन्होंने जो पुराने पुराने इंडियन एक लाइब्रेरी बनाई है जिसमें पुराने पुराने इंडियन टेक्स्ट को ट्रांसलेट किया जा रहा है, और उस ट्रांसलेशन से आरएसएस खुश नहीं है। तो आरएसएस को जब भी वो खुश नहीं होते हैं तो वो सीधा बोल देते हैं आप टुकड़े टुकड़े गैंग हो, क्यों? क्योंकि आपने आरएसएस को खुश नहीं किया। तो अब इंफोसिस भी वही हो गई है। तो अब जो जो उसमें नौकरी करने जा रहा है, जो सोचता था इंफोसिस एक प्रेस्टिजियस कंपनी है, वहां पर जाके हम नौकरी करेंगे, वहां पर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करेंगे, कैसे सॉफ्टवेयर बनता है वो अलग बात है, वो सब के सब टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर हो गए हैं। अब बिहार ने एक बार फिर से साबित किया कि जिस तरीके की मौजें वहां पे हो सकती हैं उसका कोई स्थान ही नहीं है। हालांकि उत्तर प्रदेश मेरा प्रिय प्रदेश है, वहां की मौजें जो है मतलब वर्ल्ड में फेमस हैं, उसका कोई वहां पे कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन बिहार ने इस बार जो है मोर्चा मार लिया है। आप सब लोगों ने खबर देखी होगी कि बिहार की ट्रेन में एमएलए साहब बनियान और अंडरवियर में घूम रहे थे, खुल्लम खुल्ला घूम रहे थे, जैसे उन्हें किसी की परवाह नहीं है, जैसे जंगल में शेर खुल्ला घूमता है। अब बिहार के एमएलए हैं वैसे भी जंगल में शेर ही हैं यार वो, लेकिन सवाल मजे का ये है कि उनका कंफर्ट लेवल कितना था घूमते हुए। जब उनसे पूछा गया कि भाई इस तरह की बेशर्मी की हरकत आपने करी क्यों, तो उनका जवाब जो है ना एक ही जवाब हो सकता था इस बात का जो उन्होंने दिया कि भाई मेरा पेट इतना खराब था कि मैं सीट पे बैठ नहीं सकता था। एमएलए साहब का पेट खराब था, अरे देश का पेट क्यों खराब कर रहे हो। अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ पिछले दिनों 15 अगस्त के दिन खासतौर पे, उसके रेपरकशन दुनिया में और कहीं पड़े या ना पड़े, लेकिन इंडियन मीडिया में बहुत ज्यादा पड़ रहे हैं। इंडियन मीडिया को सडनली कुछ हो गया, ऐसा लग रहा है सबने कोई ना कोई नशा कर लिया है और उल जरूल कुछ भी दिखा रहे हैं। ये तो छोड़ो, आगे देखो कितने चैनलों ने ये दिखा दिया। आप चैनल के नाम लेने से तो कोई फायदा है नहीं, क्योंकि सबकी एक पूरा का पूरा एक कैटेगरी है इन चैनल्स की, जिनको एक पर्टिकुलर नाम से बुलाया जाता है, गोदी मीडिया नाम से। उन्होंने एक चला दिया कि पंजशीर वैली में जो है पाकिस्तान ने हमला कर दिया और वहां पे उनके के हमारे पास विजुअल आ रहे हैं और फाइटर जेट जा रहे हैं इधर उधर, वो जा रहे हैं। और एक ने तो विजुअल जो दिखाए वो पंजशीर वैली तो छोड़ो दूर की बात है, वो एक वीडियो गेम के विजुअल थे। इनको शर्म नहीं आती है इस तरीके की हरकतें करते हैं, और ये दिखाते हैं और बोलते हैं अपने आप को जर्नलिज्म। इनको लगता है कि इंडिया से बाहर इनको कोई देख ही नहीं रहा है, उनकी थूथू नहीं हो रही है वहां पे। एक ने दिखा दिया कि एक पाकिस्तानी जेट पंजशीर वैली में घूम रहा है, लेकिन वो फाइनली जब उसका फैक्ट चेक करा गया, ब्रिटेन के कुछ लोगों ने उसका फैक्ट चेक किया, तो पता चला वो तो कहीं यूएस प्लेन था जो इंग्लैंड में उड़ रहा था, जिसकी फोटो लगा के उन्होंने बोला हमारे पास ताजा विजुअल्स आ रहे हैं कि पाकिस्तान पंजशीर वैली में घुस के वहां पे हमला कर दिया है। लेकिन इस खबर का कॉन्टेक्स्ट क्या है? जो चलो आप झूठ बोल रहे हो तो झूठ का एक कॉन्टेक्स्ट तो बताओ ना। आप कॉन्टेक्स्ट कुछ नहीं बताते, जो मन में आता है चिपका देते हो और उसको खबर बता देते हो, और भोली भाली जनता जो है बेवकूफ बन जाती है आपकी। उससे सही नाम दिया है आपका गोदी मीडिया यार, मुझे तो लगता है कुछ और नाम देना चाहिए आप लोगों को। बीजेपी के कुछ लोग तो कमाल ही हैं। बीजेपी के एमएलए साहब ने कहा है नाम लेने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इट डजंट मैटर रियली कि नाम क्या है, बस पार्टी पता होनी चाहिए, आपको मालूम पड़ जाएगा कि बात सच है। एक एमएलए ने कहा है कि जो ऑयल की प्राइसेस जो बढ़ रहे हैं वो इस वजह से बढ़ रहे हैं जिसके तालिबान के साथ जो क्राइसिस हो रहा है, ये उन्होंने बोला है। पर अगेन मतलब वॉट इज द कनेक्शन? तालिबान का क्राइसिस तो अभी रिसेंटली तालिबान आया वहां पे पिछले महीने है, ऑयल के प्राइसेस कब से बढ़े जा रहे हैं, और तालिबान का ऑयल से लेना देना क्या यार? आप उनसे ऑयल खरीदते हो क्या? उनके पास कहां से ऑयल होके आया तो जो आप उनका नाम ले रहे हो तालिबान की वजह से? तो ये कुछ भी बोलते हैं, जैसे कि अमित मालविया जी जो बीजेपी के एक महान बुद्धिजीवी हैं, उन्होंने ट्वीट किया कि दिस इज मैसिव, इंडिया जीडीपी ग्रोज बाय 20%, कि 20% बढ़ गई इस क्वार्टर में जीडीपी। अमित मालविया जी, भैया जी, अगर आप 24 फ्लोर पहली 25 फ्लोर नीचे उतर गए हो, उसके बाद आप 20 फ्लोर चढ़ जाते हो, तो फिर भी आप ओरिजिनल जगह से ना 5 फ्लोर नीचे ही हो। सच ये है, इसको घुमा फिरा के बताने की बात क्यों कर रहे हो, उससे क्या हासिल हो रहा है आपको? लेकिन फिर भी आप बुद्धिजीवी हो, आपने कुछ कहा है तो सोच के ही कहा होगा, क्योंकि आजकल ये भी नैरेटिव है अगर उन्होंने किया है तो सोच के ही किया होगा, तो आप भी क्यों ना ऐसे कर लो। तेल के दाम बढ़ रहे हैं तालिबान की वजह से,
जीडीपी चाहे कितनी भी नीचे गिर के थोड़ी सी उठ गई है तो उसको भी उठाओ बता रहे, ताकि अभी भी ओरिजिनल पे भी नहीं पहुंचे हैं। तो ये आपने माहौल बना के रखा हुआ है, ये आपके साथ हो रहा है, ये मौजें हो रही है इस मुल्क के अंदर। अगेन मैं कहूंगा इन पे हंसू या रोऊं, आई कांट डिसाइड। तो दोस्तों ये था इस बार का भारत एक मौज। मुझे यकीन है मुझसे पहले आपको इन सब मौजों के बारे में पता चल गया होगा और आपने भी कुछ तो उसके बारे में सोचा होगा। ये मौजें देखने के बाद आप खुद ही डिसाइड करके बता दीजिए अपने इमोशंस के, सर पकड़ के रोएं या पेट पकड़ के हंसें, क्योंकि जैसा आप कहोगे मैं भी वैसी करके अपनी सैनिटी बचाने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं उस शो में जिसका नाम है भारत एक मौज, उसके अगले एपिसोड में। रे जनता ऊंच नीच के पापड़े में लड़ते पड़ते गोल, फिर भी बाज ना आए बंदर बाट के झोल, संत मंत्री पुलिस कलेक्टर सभी खड़ा माडोल, ज्ञान में खोट ना आए भारत एक मौज। रे पीटी उसा पीछे छोड़े मलिया मोदी मेल, चौकीदार जो दिन में सो गया बन गए देश की रेल, अरे चटनी एक ऐसी भैया स्वाद सभी सभी रोल, मजे में फिर भी ले चटकारे भारत एक मौज। अरे चढ़ी गई खजूर पे और मौसम हो गया है सोस, महाभारत के काल में हो गई इंटरनेट की खोज, पहलू का सिमरख बर मांगे जान के भिक्षा रोज, अरे काठ के उल्लू बन गए राजा भारत एक मौज। अरे मन की बात करे अरे संडे बिना किसी के रोक, आम नागरिक कुछ भी बोले लो आ गई जन कीड़ों की फौज, अब देश में पढ़ना लिखना हो गया टैक्स पेयर पे बोझ, पर कावड़ियों पे फूल की चादर भारत एक मौज। अरे भारत एक मौज, अरे भारत एक मौज, अरे भारत एक मौज, अरे भारत एक मौज, अरे भारत एक मौज।